तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को। पढ़ा लिखा गरीब अच्छा है दौलतमंद जाहिल से। आपकी जोरदार तालियों के बीच इस तरह के खूबसूरत शेर के खालिक जनाब शाह खालिक जो मऊ नारू खुंजर से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं, एक बार जोरदार इस्तकबाल कीजिए मोहतरम शाह खालिक साहब। ताहिर साहब वक्त को आखिरी शायर हमारे फहरिस्त आपकी दाइस पर आ जाए। वहाँ अस्सलाम वालेकुम, वक्त भी काफी हो गया, इसको साफ करना जरूरी। पीछे पीछे मैं आखिर वक्त में मेरा नंबर आया है और आखिर वक्त तक आप अभी तक बैठे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे मोहतरम डॉक्टर शहजादपुरी साहब ने माइक पर आकर कुछ देर पहले आपको कहा लगाने को मजबूर किया, वही वो रखी गड़बड़ साहब बने जो अभी तक गड़बड़ी फैला रहे, लेकिन जो बाबू भाभी भाभी देख चुके हैं। अच्छा नहीं, आप तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं माजरत आपसे, मैं अपने अपने हम उम्र के भाइयों से कह रहा हूँ, जरा था आप मुतवज्जो हो जाए, है ना जी, जरा सा आप अपने जज्बे और 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 अपने हौसले एक तरफ रखिए। ये जी जिनको देखना था देख चुके हैं माशाल्लाह, पर जरा सा आपको वक्त दूंगा आपसे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं जबरदस्ती पढ़ने का एक मिसरे का भी शायर नहीं हूँ, अगर मुझसे लोग पढ़वाते हैं तो मैं एक घंटा में लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है, एक मिसरा भी जबरदस्ती नहीं पड़ता, लेकिन आप मुझे कभी ना किसी नाजिम से शिकायत होती है ना कभी किसी कन्वीनर से, मेरा नंबर जब आता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको खुश रहता हूँ, मैं नाजिम के इंतखाब पर खुश रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी निजामत रही और बहुत अंजाम दिया और ईमानदार है अल्हम्दुलिल्लाह। भुट्टू भाई बैठे हुए हैं तकदीम आदमी भुट्टू भाई, यकीन जानिए कि महाराज खान सरनी मंडी में अगर 15 शायरों की लिस्ट होती है तो ये जरूरत सिर्फ एक ही कन्वीनर के पास है जो 7 शायर और 7 शायरा और एक माध्यम को इकट्ठे करते हैं, ये फैसला उनके पास है, बाकी और कन्वीनरों में ये चीजें नहीं मिलती। 102 शायरा बहुत होती है, ये मक्खन लगाने की बात नहीं है, मैं चातुर्दशी है, यूट्यूब गवाह है, जहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं एक मतलब पहुंचाता हूँ भट्टू भाई, भाई भाई जैद भाई का हुक्म हुआ है कि आपको गीत पढ़ना है, मोहतरमा ने 2-3 गीत आपको सुनाया, लेकिन मैं जरा सा कंफ्यूज हूँ, डाइस में मेरे सभी छोटे बड़े भाई बैठे हैं, मैं सबकी जरा सा मंजूरी ये चाहता हूँ, जरा सा मुझे आप ये बता दें कि मुझे माहौल को संजीदा करना है या मुझे तहजीब में ले जाना है, तहजीब समझ रहे ना। ये देखिए गरीब भाई, ये कैमरा इमरान भाई इरफान भाई ऐसा लगा दी नहीं, गरीब भाई का चेहरा ढका हुआ है या गाली की शेरवानी या टूटी नजर नहीं आ रही है, ये आना चाहिए मेरा। जी जी खालिद भाई जी, अरे आप कसम से भुट्टी भाई मजा आ जाएगा, कसम से आ जाएगा, आप भी आगे आ जाए। देखिए ना ही मैं इतना जान लीजिए, ना ही मैं टीचर हूँ और ना ही मैं नेता हूँ, ना ही मैं डीएम हूँ, बस ये जानता हूँ मैं आपका छोटा भाई हूँ। आप एक भाई की बात अगर मान लेंगे तो इस भाई की इज्जत हो जाएगी, आप आगे आ जाए। मैं कुछ एक ऐसी गजल का मतलब जो अब तक मैंने पढ़ा नहीं है, भुट्टू
बैठे हैं और दीगर मेरे हजार बैठे हैं बाहर बैठे, मैं चाहता हूँ कुछ नए से आप तक पहुँचाओ, नई जगह आप तक पहुँचाओ, मतलब मैं चाहता हूँ मेरे साथ मुनाजा फरमाए इरशाद अली भाई, इरशाद अली स्टेज थोड़ा बेदार हो गया आखिरी वक्त में। समय सुखता समा सकता नहीं कोई शैतान ना खूनी, मैंने पहले कहा है कि मैं बिल्कुल नया मतलब पढ़ रहा हूँ और मुझे गजल पढ़ना है या तगज़ल पढ़ने है या फिर मुझे संगीता, मैं मतलब पढ़ के देखता हूँ लाला हमारे कि समा सकता नहीं हरगिज कोई शैतान आंखों में, समा सकता नहीं हरगिज कोई शैतान आंखों में, समा सकता नहीं हरगिज कोई शैतान आंखों में, बसादा थी है मैंने आयत कुरान आंखों में, बसादा क्या कहने भाई वाह 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 क्या कहने हैं शाह खालिद भाई वाह 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 बहुत खूब खालिद भाई वाह वाह। बहुत शुक्रिया, क्या कहना होगा जी, बहुत शुक्रगुजार हूँ। हजरात जी बाहर से चल के आ रहे हैं, जल्दी से अपनी जगह ले लें, पेश करता हूँ इमरान भाई, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मुशायरे का हिस्सा बन जाए वो, मैं हाजीपुर सरायवीर फूलपुर और हमारे बुद्ध भादू साहब भादू से जो चल कर आए हैं, ये तमाम ही लोगों का मानी कला से फरहान भाई भी मौजूद है, मैं सबका शुक्र गुजार हूँ तमाम ही लोग जानेब से पेश करता हूँ सारी भाई मुलाजा मैं समा सकता नहीं बात है यार, ये क्या हो रहा है, मैं मुशायरा बोल रहा सबको बैठ के दाद दिया हूँ सबको सुना, ये क्या है, ये क्या है यार, थोड़ा सा सुन लीजिए, नहीं ऐसे नहीं होता है, मैं देखिए जल्दी शिकायत नहीं करता इस बात में, गैबी भाई कहता हूँ मैं, लेकिन मैंने सबको दाद दिया है भाई, ये गलत बात है जी जी खाली बात पर, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बिल्कुल खामोश रहिएगा, मैं अगर मैं बिल्कुल सच हो चलिए रवि पेश करता हूँ लालक मैं तो समा सकता नहीं कोई, भाई आप प्लीज रुक जाए भाई आप बैठे, उनकी ट्रेन है 3 बजे की बता रही है, अपनी मजबूरी बलिया 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 पता नहीं कहीं मशहूर जाना है, जितनी ट्रेनें सब टाइम मुझे पता है, कोई प्रोग्राम में बता रही जाना छोड़ो जी खालिद भाई, आप पढ़िए, आप अच्छी शायरी पेश कर रहे हैं, आपके पास कोई दर्द नहीं, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आजमगढ़ के उन मर्दों के दरमियान एक मऊ का मर्द खड़ा है, और तो कोई जरूरत नहीं है हमको इला बेशक घर के बटवार हिंदुस्तान
पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे शेर पढ़े गए। अक्सर भाई ने भी बहुत सारे अकात आप तक पहुँचाए, पहुँचाई आप तक। मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छा माहौल मिला आपने। एक शेर पहुँचाता हूँ लाला भाई, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग जाए दुआओं के बारे में। सकता नहीं हरगिज कोई शैतान आंखों में, जिंदाबाद। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। क्या कहने हैं जी, वाह बहुत शुक्रिया पूर्ण भाई, शारिक भाई। अच्छा लाला मैं किसी के घर के बटवारे की जाती बात आती है, नजर आता मैं अपना प्यारा हिंदुस्तान आंखों में। उड़ा दे जालिमों की धज्जियां जो शेर के लिए कभी नहीं, क्योंकि मेरा शेर ही कभी है। मैं पेश करता हूँ शायरी को हवाले से मिलावा भाई नसीर भाई मतन गोश भाई। नजर आता उड़ा दे जालिमों की धज्जियां जो गल में, नजर आता नहीं थी वो साहब सुल्तान आंखों में, नजर आता है वाह 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 साहब सुल्तान आंखों में, नजर आता नहीं थी वो साहब सुल्तान आंखों में। अब तक जो लोग खामोश थे, इंशाल्लाह मैं वो शेर सुनने जा रहा हूँ। इरशाद अली, अगर आप सुनो तो किसी भी कोने में जरा सी भी मोहब्बत जाग जाए शेर को, तो आप मुझे अपनी दुआओं से नवाजेगा। शेर बहुत अच्छा पढ़ने जा रहा हूँ, तारीख की रोशनी में लिहाजा फरमान। जावेद साहब, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, हमारे बड़े ही अजीज, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त निजाम बनारसी साहब, मेरा छोटा भाई शहाब मानी हारू, सबको शरीफ करता हूँ लाला। नजर आता नहीं टीपो साहब सुल्तान आंखों में, कोई पूजे ले दुनिया में जब अपना सर उठाता है। क्या मिसरा है, सानी मिसरे की उफाद कीजिएगा। पेश करता हूँ रेबी साहब, क्या कहने भाई वाह। जब अपना सर उठाता है कोई मुझे ले दुनिया में, जब अपना सर उठाता है तो फिर जाता है जंगे बदर का मैदान आंखों में, तो फिर जाता है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब बहुत शुक्रिया। मुकर्रर मुकर्रर कोई पूजे दुनिया में जब अपना सर उठाता है,
बदर का मैदान आपको मिले, तिरंगा अपने भारत का सदा ऊंचा रहे खालिद। तिरंगा अपने भारत का सदा ऊंचा रहे खालिद, तिरंगा तिरंगा अपने भारत का सदा ऊंचा रहे खालिद। यही अरमान आँखों में, यही है दिल में नसरत और यही अरमान आँखों में। समा सकता नहीं नरगिज कोई शैतान आँखों में। ये जो नौजवान बैठे हैं बहुत खामोश हो गए, शायद ये आपको मतलब की बात नहीं थी। देखिए भाव नहीं ला रहा, सही कह रहे हैं आप। चलिए मैं गीत तो कहूँगा, बहुत गीत तक पहुँचने दीजिए मुझे, लेकिन मैं एक मतलब और पढ़ के देखना चाह रहा हूँ। अगर 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 उसके आप आ गए इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। अब आइए ऐसी जगह करना चाहता हूँ कि उसमें आपको हर रंग मिलेगा इंशाल्लाह, गीत का भी मजा आएगा, भरपूर तबद्ध और संगीता पंडित से आपको जाहिर नजर आएगा। पेश करता हूँ एक मतलब लाला, इरशाद इरशाद मोहतरम जी लाला। अरे 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 कोई बात नहीं, पेश कर। मुझे जिसको बोलना था ना वो है ही नहीं यार। सही बात है, थोड़ा देर और रहती तो ज्यादा कुछ सुन लेती वो। अच्छा वो चली गई, पेश करता हूँ मतलब। इजाजत है, इजाजत है ना, पेश करता हूँ मतलब। अरे बहुत शुक्रिया जदा। अरे देखिए इसका हुक्म हो गया, यहीं से देख लेता हूँ। तुम हुस्न तरह तार घने दिल से मवाले। देखिए अब थोड़ा सा गीत तक पहुंचना है मुझे, तो जरा सा आप जाहिर कर सकते हैं आप। वरना करना पड़ गई थी, बहुत सारे मोबाइल ऐसे आने लगे थे, ऐसा लग रहा था विराट कोहली सेंचुरी बना रहा है ना, है ना? नहीं आप जरा सा बस वाह वाह करते रहिए, क्यों अपने हाथ को थकाएंगे, बस वाह वाह करते रहिए। मैंने अभी तक नहीं कहा कि आप तालियां बजाएंगे, जहां मेरा शेर उस लाइफ होगा मुझे लगेगा कि आप सारे लोग तालियां बजाएंगे इंशाल्लाह। पेश करता हूं लाला भाई तरहदार घनगे सुहवाले, घनगे सुहवाले, घनगे सुहवाले, घनगे सुहवाले। शेर आपके लिए पढ़ता हूँ, बहुत शुक्रिया। शेर तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, चार दिन में बड़ा अच्छा ये शेर आ गया। अब मैं बहुत सटीक पढ़ता पहुंचाता हूँ कि हर करता है जो अंगूष्ट नुमाई। देखिएगा जो अंगूष्ट नुमाई, जो अंगूष्ट नुमाई, हर I'm gonna go to the top.
अपने को। क्या बात है भाई, वाह वाह, अरे वाह भाई वाह, शाह खालिद जिंदाबाद, क्या तर्जुमानी है भाई। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस खूबसूरत शेर के लिए। आखिरी वक्त में मुशायरा इस आबोताब के साथ चल रहा, यकीनन आज का मुशायरा कामयाब हुआ। मैं मुंतजमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खास तौर से जनरल मुशायरा सलाहुद्दीन साहब के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि ये माहौल उन्होंने दिया। बहुत खूब शाह खाली साहब, क्या बहुत शुक्रिया, बड़ी बढ़िया। शायद एहसान मंद हूँ आपका, पेश करता हूँ लाला। है आप तमाम लोगों का अपनी बहुत धन्यवादा। और भव्य भाई अपनी पूरी टीम के साथ विराजमान है, उन्होंने भी मुझे अपनी बहुत धन्यवादा। अरे तकलीम और भुट्टो साहब शुरू से ही मुशायरे में जमे हुए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। निजाम भाई ने कहा ये फिर से पढ़ दे, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मक्का हो गया। इतना भरोसा कर दूं, अभी आपने मूड बना दिया, कसम खुदा की। आप घड़ी देख लीजिए, जब तक आप नहीं कहेंगे इंशाल्लाह मैं बैठूंगा नहीं। जी जब तक आप कहेंगे तो मैं बैठूंगा नहीं, ये वादा है आपसे। पेश करता हूँ लाला हाय खालिद ना, भरोसा कर दूं लोगों पे करना, उन लोगों पे करना, उन लोगों पे करना, उन लोगों पे करना, खालिद न भरोसा कभी, उन लोगों पे करना, खालिद न भरोसा कभी, उन लोगों पे करना, जो तन के पहुंच लेंगे मगर मन के है काले, जो तन के पहुंच लेंगे मगर मन के है काले, मगर मन के है काले, है हुक्म करम वाले, घने केसों वाले, दुख जानी है जुल्म मंदर उसमें जो निशान पर, आपके लिए दुख जानी है जुल्म मंदर उसमें जो निशान पर, उसने जो अपने शानों पर शायद उसे मालूम, शायद उसे मालूम नहीं है गुजर गया दीवानों पर, दिखदारी है जुल्फ़ार उसने जो अपने शानों पर, उसमें जो अपने शानों पर नाजो अदा के तीर चला कर सरका कर रुख से घूंघट, सरका कर रुख से घूंघट, सरका कर रुख से घूंघट, के नाजो अदा
तीर चला कर सर का कर रुख से घूंघटे सर का कर रुख से घूंघटे सर का कर रुख से घूंघटे उसने जो अपने शायद उसे मालूम नहीं है बुजुर्ग का दीवानों पर शायद उसे मालूम नहीं है बुजुर्ग का दीवानों पर। अब आइए 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 मैं अपनी मजबूरी से गजल का मतलब पहुंचाता हूँ। इंशाल्लाह मतलब में आपने साथ दे दिया तो मुझे यकीन है कि उस गजल का एक 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 हर फर आप मुझसे जुड़ेंगे और इसे गजल को चुनी समाप्त करेंगे। मतलब रहने जैद भाई भी मुशायरे में जुड़े हुए हैं, उनका भी शुक्रिया, शुरू से मुशायरे का हिस्सा है। और मैं नंदिनी साहबा का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी बात को लगभग कहा था इस तक आएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम शायर भाइयों की तरफ से आपकी जानिब से। एक मतलब पहुंचाता हूँ लगा भाई जी भाई इरशाद के अपने जज्बात थोड़ा सा सुन लीजिएगा, बहुत प्यारी गजल है, बिल्कुल भाई मिलाजा करें कि अपने जज्बात तू चाहूंगा। ये बाजू कमजोर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दाहिना है मेरा, है ना, बाई तरफ तो माइक रखा हुआ है, वो पूरा इसका मशीन रखी हुई है, लेकिन आप मजबूत रहिएगा सामने माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहा कि अपने जज्बात अपने जज्बात अपने जज्बात को सीने में मचलते हैं देखा मचलते हैं देखा अपने जज्बात उतरते देखा अपने जज्बा सीने में मचलते देखा मैंने जब चांद खुली छत पे उतरते देखा कि वो गए और भी के संग कहते हैं संग कहते सारे जमाने वाले संग कहते जिसे सारे जमाने वाले संग कहते संग कहते जिसे सारे जमाने उसे मैंने पिघलते बर्फ की उसे मैंने पिघलते देखा अपने जज्बात को सीने में मचलते देखा। इरशाद लहजा फरमाए अपने जज्बात को सीने में मचलते देखा तू गए और भी मजबूत बड़ा ही अजम हिम्मत की बात हो मुशायरा कराना, खास तौर पर अपने सरजमीन में आदमी में मुशायरा हो और उसमें आप जैसे लोग जो अपने तक बैठे हैं यकीन जाने सुनने वाले इतने लोग होते हैं, बेशक वो पूरा पंडाल भरा पड़ा रहे लेकिन
सुनने वाले ही लोग होते हैं जो आखिरी वक्त बैठते हैं। पेश करता हूँ अच्छा शेर, अगर हो गया हो तो दाद आपकी दुआ में चाहूंगा। पेश करता हूँ हो गए और भी मजबूर मेरे अजाइम है मेरे हो गए चलते हैं देखा कि ऐसे गिर गिरी कहाँ रंग बदलते होंगे कि ऐसे गिर गिरी कहाँ रंग बदलते होंगे बदलते होंगे। ये एक मुहावरा है, शायरी हो गई तो अच्छा कि हो गए और भी मजबूर अजाइम है मेरे ऐसे गिर गिटे ऐसे गिर गिटे बिताना रंग बदलते होंगे जैसे इंसान को यहाँ रंग बदलते देखा जैसे इंसान को यहाँ रंग देखा। बहुत शुक्रिया जी, अरे बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकअल्लाह। आपने कह दिया ये मेरे लिए फलक है। पेश करता हूँ लगा भाई कि अपने जज्बात को सीने में मचलते देखा रंग बदलते होंगे जैसे इंसान को यहाँ रंग बदलते देखा जैसे इंसान को यहाँ रंग बदलते देखा। तमीनर मुशारा सलाउद्दीन साहब, मुझे लगता नहीं कि इस वक्त यहाँ मौजूद हैं वो, लेकिन उनके हवाले से एक शेर पहुँचाता हूँ आप तक। बतौर साहब जो अब तक खामोश थे, यकीन जानिए कि मैं अब तो शेर पढ़ने वाला हूँ। अब तक मैंने इस अच्छा शेर अब तक नहीं पहुँचाया इस माइक से, अब जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ आप उसकी लाज रखिएगा। तारीख के औरात को पढ़ते आप और तारीख की रोशनी में वो शेर बतौर खास लहदा फरमाए। इरफान भाई पेश करता हूँ जी, बहुत अच्छे लग रहे माशाल्लाह। माशाल्लाह कि अपने जज्बात को सीने में मचलते हैं देखा कि कत्ल करने का हुआ हुक्म जहां से जारी जहां से जारी कत्ल करने का हुआ हुक्म जहाँ से ले जारी कत्ल करने का कत्ल करने का हुआ हुक्म जहाँ से जारी हमने मूसा को उसी साए में पलते मुकम्मल हो गया आज का मुशायरा, क्या कहने। वाह बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह। कि हमने जी फिर से पढ़ दूं मुखारा, अब मैं कह सकता हूं एक बार पूरे मजमे के लोग तालियां बजाते ही रहा। वाह मैं ये शेर पढ़ता हूं लाला, मैं एक एक शेर हाथ को सीने में मचलते देखा से चारी
कहने हैं आतिफ साहब अपनी मोहब्बतों से नवाजते हुए, क्या कहने, वाह 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 वाह। हाजी पुरुष करता हूँ, हाजी पुर के बहुत लोग बैठे हैं यहाँ, और हाजी पुर इतना मुतबर नाम है हाजी, माशाल्लाह पूर लगा हुआ हाजी पुर, तो मैं मुझे बहुत एहतराम है वहाँ के लोगों का, और उन्होंने जो फरमाइश की सारी भाई ने जैद भाई ने, मैं उसकी लाज जरूर रखूंगा, मत तक पहुँचाता हूँ इंशाल्लाह, फिर उसके बाद वहाँ तक पहुँचूंगा, फिर मैं अपने जगह लूंगा, पेश करता हूँ लाला भाई। देखिए जहाँ आपको लगे कि मैं आपको बार पढ़ रहा हूँ, भारी पढ़ रहा हूँ, आप बता दीजिए मैं बैठ दूंगा, पेश करता हूँ लाला भाई। अब मैं जज्बात को सीने में मचलते हैं देखा कि इश्क की राह कठिन होती बहुत है खालिद, क्या मिसरा है यार वाह, कि इश्क की राह कठिन होती बहुत है खालिद, इश्क की राह कठिन होती बहुत है खालिद, इश्क की राह चलते हैं देखा, फिर भी हर शास को चलते हैं देखा, बाबा बाबा शेर बाबा सीने में मचलते देखा, मचलते देखा। अब बताइए मुझे गीत पढ़ना चाहिए, खालिद भाई गीत पढ़े, जी जी गीत पढ़े, जी जी फरहान भाई बैठिए, ये गीत गीत जो कह रहे हैं मैं पढ़ के बैठा, गीत सुन के गाए भाई, खालिद भाई पढ़े गीत पढ़े, एक दफा आप लोग मुझे एक बार जोरदार तालियां बजा के बताएं, खालिद भाई गीत पढ़े, क्या बात है खालिद भाई, अब्दुल हमीद साहब गजनी चौधरी, ये तो उनका अपना है लेकिन ओरिजिनल नाम है हकीकी नाम अब्दुल हमीद साहब, को कहना चाह रहा हूं मैं, लेकिन आवाज अच्छा नहीं, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ मैं जबरदस्ती नहीं पढ़ने वाला, ये पढ़वा रहे पढ़ रहा हूँ, पेश करता हूँ लाला भाई के, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलिया आप, सुने सुनेंगे ना कि एक बार तालियां बजा मैं पढ़ता हूँ, तू मेरी शाम जादू, ये नया है क्या कह रहे, कि तू मेरी शाम जादू, मैं तेरी शहजादा, गीत को गीत की तरह सुन मेरे भाई, बड़ा सुनिंग सुन रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा तालियां वालियां बजाते रहेंगे, माहौल में भाई माहौल में मजा आएगा इंशाल्लाह, माहौल में जैद भाई का हुक्म है वहां तक जाना है मुझे, पेश करता हूँ लाला भाई, तू मेरी शहजादी, मैं तेरा शहजादा, तू मेरी शहजादी, मैं तेरा शहजादा, तालियां बजाएंगे तभी अगला मिसरा आएगा, तू मेरी शान दादी, मैं तेरा शान दादा, मैं खैरा तेरा मजनू, मैं खैरा तेरा मजनू, तू बन जा मेरी लैला, तू मेरी शान दादी, क्या कह रहे खालिद भाई, क्या कह रहे बाबा दादा, तू मेरी शान दादी, मैं तेरा शान दादा, मैं खेरा तेरा मजनू, मैं खेरा तेरा मजनू, तू बन जा मेरी लैला, तू शान दादी मेरी, क्या कहने शान दादी मेरी, मैं तेरा शान दादा, और पहला बन लादा भगवान चेहरा, चेहरा 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 गुलाब तेरा, नैना तेरे प्यारे, चेहरा गुलाब तेरा, नैना तेरे प्यारे, कातिले जबान पूरी कर दे मगर इशारे,
قاتل جوان بہت سنجیدہ اس میں تالیاں بجنا چاہیے واہ چہرہ گلاب تیرا نہنا ہے تیرے پیارے قاتل زبان تیری کر دے اشارے زلفوں میں تاک دعا میں چاند اور ستارے زلفوں میں تاک دعا بن جا بن جاؤ میں بھی راجا تو ساگتا تیری میں تیرا ساگتا دا تو ساگتا میری میں تیرا ساگتا دا کے بھی چند مصرے ایک آدھ دو بند پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کوشش کرتا ہوں لے وہی پڑھنے جا رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں حاجی پور والے کی الگ الگ فرمائش ہوتی ہے یار کہہ رہا پیش کرتا ہوں لگا میں پڑھ دوں پیش کرتا ہوں کہ تم سے تم سے بھی پیار کیا دل بنا کیا تم سے بھی پیار کیا تھوڑا دیر کے لیے آپ کی ہم زبانوں سے پیش کرتا ہوں کہ تم سے کہ تم سے بھی پیار کیا دل پہ قرار کیا تم سے بھی پیار کیا دل پہ قرار کیا میں من کی تم سے تھوڑا سا نام کیا جیسا پوری طرح جڑ چکے ہیں گیت سے تم سے ہی پیار کیا دل پہ قرار کیا نہیں نن کی تیر سے تھوڑا سا بار کیا تانگے تو میرے نظریا ارے اجر آجا مورے دل کی نظریا ارے اجر آجا مورے دل کی نظریا تم سے ہی پیار کیا دل پہ قرار کیا نہیں نن کی تیر سے تھوڑا سا بار کیا کامے تو میرے نظریا ارے اجر آجا مورے دل کی نظریا ارے اجر آجا مورے زید صاحب آپ کی فرمائش کا جواب نہیں واہ بہت شکریہ پیش کرتا ہوں ملازم باہوں میں آؤ باہوں میں آؤ نہ شرما کہ باہوں میں آؤ نہ شرما رہنا ہے ساتھ میرے ساتھ نبھا باہوں میں آؤ یوں نہ شرما رہنا ہے ساتھ میرے ساتھ نبھا رہنا ہے ساتھ میرے ساتھ نبھا تم سے بھی پیار کیا دل پہ قرار کیا میں نن کی تیر سے تھوڑا سا بار کیا تانے تو تیرے نظریا ارے اجر آجا مورے دل کی نظریا ورنہ میرا انتخاب بہت اچھا تھا میں ان کے حوالے سے یہ بند پڑھتا اور آپ کے ساتھ بیٹھے انہیں شاعر ہیں بھر کر میں یہ بند پیش کرتا ہوں میں رائے سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں سب پر بند پہنچاتا ہوں لالا ارے اگر آجا مورے دل کی نگریا پھولوں کی ڈالی سے زیاد کہاں ہے اچھا اور سامنے فرحان مناف صاحب ہے اور سراج احمد صاحب سراج الدین صاحب آپ کو اس وقت مجھے سب سے خوبصورت تم لگ رہے ہیں میں ارشاد ہے ملا کریں ارے اگر آجا مورے دل کی نگریا پھولوں کی ڈالی سے پھولوں کی ڈالی سے پتنی کا نام کیا نازک مشکل سے جو میرے ہاتھوں میں
आई मुश्किल, अरे तालियां बजाए इस पे, कि मुश्किल से जो मेरे हाथों में आई, फूलों की डाली से, फूलों की डाली से पतली कलाई, मुश्किल से जो मेरे हाथों में आई, मुश्किल से जो मेरे हाथों में आई, डर गए के तुझसे ना हो अब जुदाई, डर गए के तुझसे ना हो अब जुदाई, लहरा दे बन जाओ मेरे सवरिया, अरे अगर आजा मोरे दिल की नगरिया, अरे अगर आजा मोरे। क्या कहने हैं भाई, वाह शाह खालिद साहब, जय जय कह रहा है कि मेरा पिघला हुआ काम आपने बना दिया। अरे भाई पेश करता हूँ लाला, मैं ये शुक्रिया किया हुआ मैं पेश करता हूँ, अरे अगर आ जा मोरे दिल की नगरिया, बन जाओ मेरे सवरिया, अरे अगर आ जा मोरे दिल की नगरिया। और साहब रानी जो अपनी आज उसके हिस्से में एक बहन का इजाफा हुआ है, साहब नुमानी माशाल्लाह, ये बंद पढ़ता हूँ तुम्हारे लिए, हमारी बहन का जो इजाफा इसलिए हुआ है, ये बंद भी उसी काम में आएगा, मेरा जो जुमला था तुम्हारी बहन के लिए वो उसी में काम आएगा, ये बंद बतौर खास मिला भाई, बहुत डरता है बेचारा, जब माइक जाता है तो कोई ऐसी टिप्पणी न कर दे, कोई ऐसा मजाक न कर दे, कोई मुकदमा उठकर के माला न दे, क्योंकि उनकी मुकदमा जिनसे शादी लगी हुई है वो टेलीकास्ट देखती रहती है, देखिए दिखा रहे हैं उनको माशा, पेश करता हूँ लाला भाई, अरे अगर आ जा मोरे दिल की नगरिया, आबाद कर दो, साहब क्या कह रहे हैं मैं बता रहा हूँ, कि आबाद कर दो दिल का नसीब, तुम जान सावन हम जाएगा मेरी आंखों का सावन, आबाद कर दो, आबाद कर दो दिल का नशे मन, हम जाएगा मेरी आंखों का सावन, तू मेरी जागे मैं तेरी धड़कन, तू मेरी जागे मैं तेरी धड़कन, लहरा दे लहरा दे चुनरिया, अरे अगर आ जा मोरे दिल की नगरिया, अरे अगर आ जा मोरे, अरे अगर आ जा मोरे दिल की नगरिया, के बज़्मे तरब में इरशाद अली मौत, के बज़्मे तरब में नगमे सुनाओ, शाह खालिद खुशियां मनाओ, पेश करता हूँ इस आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, इस्तकबाल कीजिएगा इंशाल्लाह मजा आएगा, मिला करें, बजने तरब में, बजने तरब इरफान हाशमी साहब और आर एन क्रिकेट वैसे इस प्रोग्राम को मैं चाहता हूँ जितने भी मीडिया वाले सबका शुक्रगुजार हूँ, और इरफान भाई को मैंने आज इतना बिजी तो नहीं देखा जितना आज मैंने देखा है, पेश करता हूँ लाला भाई, पेश करता हूँ खालिद भाई, आज दो नाव पे चढ़े थे तो शायद बहरहाल में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पेश करता हूँ लगा के आबाद कर दो दिल का नशे मन, हम जाएगा मेरी आंखों का सावन, के बदमे तरब में, बदमे तरब में सुना है शाह खालिद खुशियां मनाओ, है शाह खालिद खुशियां मनाओ, है शाह खालिद खुशियां मनाओ, पहचान जब से अलग तुम बनाओ, पहचान जब से अलग तुम बनाओ, पहचान जब से अलग तुम बनाओ, रोशन रोशन गो मौला शहरिया, अरे अगर आ जा मोरे दिल की नगरिया, अरे अगर आ जा मोरे दिल की नगरिया। Wow.
बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकअल्लाह, इंशाअल्लाह कभी मुलाकात।